तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो जीटीए वाले ट्रेंडिंग रील्स है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि वो बनाना तो चाहते हैं बट जो कहीं ना कहीं जो पिक्सार में थोड़ा बहुत एडिटिंग करना पड़ता है वो उनको नहीं आता या फिर परफेक्टली नहीं हो पाता। तो दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसको भी है वो पिक्सार में एडिटिंग करना नहीं आता उन सभी लोगों के लिए मैं एप्लीकेशन लाया हूँ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। और हाँ दोस्तों ये वीडियो किसी भी स्पॉन्सर टाइप का नहीं है, मुझे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और शायद आप लोगों को भी पसंद आएगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों एप्लीकेशन का नाम है मस्त, आप सोच सकते हो एप्लीकेशन का नाम ही मस्त है तो कितना ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियो देखने के बाद। और दोस्तों आगे की वीडियो हम मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे, बट दोस्तों वीडियो के एंड में मैंने है वो कुछ हैशटैग दी है, जो आप जब आप इंस्टाग्राम पर रील्स डालोगे तो आपको ये हैशटैग आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, आपके व्यू और लाइक है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्शन, आप देख रहे हैं टेक्निकल दर्शु चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ऐड वगैरह आ जाएंगे तो आपको ऊपर एरो पर क्लिक कर देना है तो ऐड है और रिमूव हो जाएंगे। जब दोस्तों आप पहली बार ओपन करेंगे तो आपको परमिशन वगैरह आ जाएंगे तो आपको अलाउ कर देना है, और साथ ही साथ दोस्तों आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये ऑफलाइन एप्लीकेशन है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा था क्योंकि मुझे चेकआउट करना होता है कि इस एप्लीकेशन में कौन से फीचर्स है ताकि आप सभी लोगों को मैं डिटेल में बता सकूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर हम है वो गेम वगैरह भी खेल सकते हो, जैसा कि आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे बैट प्लेयर बैकग्राउंड, बट ये पबजी है नहीं, उसमें है वो बहुत ही सिंपल वाली गेम्स होती है तो आप खेलना चाहो तो खेल सकते हो, यहाँ पर आप अर्न नहीं कर सकते बट आप खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों आप जीटीए रील्स के अलावा है वो बहुत सारी है वो रील्स बना सकते हो, जैसा कि आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो वो ट्रेंडिंग फोटो वाली रील्स आती है बहुत सारे फोटो होती है और सेक इफेक्ट के साथ हमारे फोटो आते हैं, कुछ इस तरह के रील्स आप बना सकते हो। तो दोस्तों बात रही कि कैसे हम जीटीए वाले रील्स बना सकते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा दिख रहा है बट आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर, अगर नहीं दिखता तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ आपको बहुत सारे ऊपर ऑप्शन मिल जाएंगे, फॉर यू, न्यू, लव, रील्स, एटीट्यूड, ऐसे बहुत सारे फीचर्स है। जब आप रील्स पर क्लिक होंगे तो आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर देना है, अगर कुछ यहाँ पर नहीं आता तो आपको यह बंदा मिल जाएगा मिस्टर Hasnain01, इस लोग आप लोग इस बंदे को जानते हो, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, सिंपली आपको यह जीटीए वाला मिल जाएगा, कुछ इस तरह का वीडियो आप देख सकते हो सही से देख लेना, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ जो एड वगैरह आ जाएंगे तो आपको पूरी वॉच कर लेनी है, वॉच करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ क्लोज बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्रिएट अ वीडियो लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर एक बार टच करना है और सिंपली आपका कोई भी फोटो है आपको रेंडमली सिलेक्ट कर लेना है, अगर यहाँ से नहीं मिलता आप ऑल में जाकर भी अपना फोटो सिलेक्ट कर सकते हो। तो जाके मैं ये फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कंफर्म कर लेना है, तो फिर से आपको ऐड वगैरह जाएंगी तो पूरी वॉच कर लेनी है, बैक नहीं आ जाना है और क्लोज बटन आते ही आपको क्लोज कर देना है, यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों ये विद इन 1 मिनट में आपका वीडियो है ओपन कर तैयार हो जाएगा और ये प्रोसेसिंग आपके फ़ोन के डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन पर आधार रखेंगी, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ी सी देर लग सकती है, तो यहाँ पर मेरा हो रहा है आप देख सकते हो। अगर दोस्तों आपको नीचे है स्किप वाला ऑप्शन आए तो आप स्किप मत करना क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा वीडियो है बनकर तैयार हो चुका है, तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना मस्त हमारा बना है, पता नहीं इस बार इसने क्यों ऐसा बनाया बट जो मैंने पहली बार बनाया था तो बहुत ही ज़बरदस्त बना था, तो मैं फिर से ट्राई नहीं करूँगा बट आपको सिखाने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ कई बार क्या होता है कि मस्त ऐप का लोगो आता है और कई बार नहीं आता, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट जब आता है तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ का आपको है अगर नहीं आता तो आप डायरेक्ट ये शेयर भी कर सकते हो, अगर आता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको है गूगल प्ले स्टोर से VN ऐप है और डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब यहाँ आप 3 डॉट में आप क्लिक करोगे तो आपको VN ऐप यहाँ पर मिल ही जाएगा बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पर VN ऐप को टच कर लेना है, टच करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हो सकती है वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में होती है तो कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ ही जाएगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ आपका मस्त ऐप का लोगो आ रहा है ना, तो सिंपली आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपकी वीडियो के ऊपर टैप टू ऐड स्टिकर, तो उस पर सिंपली आपको टच कर लेना है, फिर से आपको वीडियो एंड फोटो पर टच करना है और सिंपली दोस्तों आपको है वो मैंने जो पहला वीडियो बनाया था जीटीए रील्स वाला, उस वीडियो के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो फोटोज़ की PNGs की, वो आप डाउनलोड कर लेना तो आपको है कुछ इस तरह के PNGs मिल जाएंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, फोटो में जाकर आपको फोटो में सिंपली चले जाना है। और दोस्तों कुछ जीटीए वाले रील्स हैं ना दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का है वो ऐड कर लेनी है, थोड़ी सी बड़ी कर लेनी है और जहाँ पर आपका लोगो आ रहा है ना दोस्तों कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेनी है, यानी कि आपको है जो लोगो आ रहा है उसको हाइड करना है, तो कुछ इस तरह से मैंने रख दिया जिससे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। और हाँ दोस्तों यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन आ रहा है ना वो इनका आउट्रो है, तो सिंपली उस पर एक बार टच करना और यहाँ से डिलीट कर देना तो वो निहत जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो हमारा जो लोगो आ रहा था वो हमने यहाँ पर हाइड कर दिया है,
और थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब दोस्तों ऊपर अब लोगो आ जाएगा, पहले नीचे आएगा, उसके बाद आप देख सकते हो हमारा ऊपर लोगो आ रहा है, तो सिंपली जहाँ से आ रहा है तो वहाँ तक रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको प्लस वाला आइकॉन मिल जाएगा, उस पर एक बार टच करना है, वीडियो एंड फोटो में चले जाना है और फिर से आपको है कोई एक PNG आपको ऐड कर लेनी है ताकि वो लोगो भी हमारा हाइड हो सके। तो मैं फटाफट से ढूंढ लेता हूँ अपनी PNG कहाँ गई। तो इस बार ये मैं टेक्स वाली PNG है वो ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से आपको दोस्तों है एडजस्ट कर लेना है और आपका वीडियो है बड़ा ही ज़बरदस्त आपका दिखने वाला है, आप देख लेना। तो यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट कर लिया और थोड़ा बहुत रहता है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहाँ पर बन चुका है और दोस्तों इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ऊपर एक्सपोर्ट मिल जाएगा और कुछ इस तरह का रेजोल्यूशन आप कितना HD रखना चाहते हो उस तरह आप यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हो कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आपको है और यहाँ से राइट क्लिक कर लेना है तो आपका ये वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपका गैलरी में आ जाएगा। अगर दोस्तों आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो बनाते समय कुछ इस तरह का स्किप वेटिंग आ रहा है तो दोस्तों आप उस पर क्लिक मत करना। अगर दोस्तों क्लिक करोगे तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने स्किप वेटिंग किया तो ये क्या कहना चाहता है कि जब आप बैकग्राउंड में भी ये इसको आप यहाँ होम पेज से आप यहाँ निकाल दोगे ना तब भी आपका बैकग्राउंड में वीडियो बनता रहेगा, बट दोस्तों ऐसा होता नहीं है। मैंने ट्राई किया था, ऐसे ही प्रोसेसिंग होते रहता है। और दोस्तों आप देखना चाहते हो कि हमारा वीडियो कहाँ पर बन रहा है तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाला सिंबल मिल जाएगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ एक्सपोर्टिंग हो रहा है। तो कई बार क्या होता है ये एक्सपोर्टिंग फेल हो जाता है तो दोस्तों आपको है वो उस पर क्लिक नहीं करना है, थोड़ा सा आपको वेटिंग कर लेना है तो आपका वीडियो है वो बन के तैयार हो जाएगा। और यह बात मैं कहना भूल गया था तो यह मैंने थोड़ा सा क्लिप एड कर ली इस वीडियो में। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आपने तो फोटो का यूज़ करके GT वाली रील्स बनाई बट हमें तो है वो वीडियो वाली रील्स बनानी है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी GT और रील्स वाली वो आप देख लेना, आपको सारे डाउट है वो सॉल्व हो जाएंगे और थोड़ा बहुत दिमाग ही अपने हिसाब से चलाना तो आपको भी है वो कुछ इस तरह के रील्स बनाना आ जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर पहली बार तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आपको ऐसे ही इंस्टाग्राम के जो ट्रेंडिंग लिस्ट आती है उसके ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे और साथ ही साथ इंस्टाग्राम ग्रोथ के बारे में भी वीडियोस डालता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात रही कि कौन सा हैशटैग मैं देने वाला था तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जब भी आप इंस्टाग्राम पर है और रील्स डालो तो ये वाला हैशटैग यूज़ करना, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो। कुछ भी हेल्प चाहिए इंस्टाग्राम पर और क्या कुछ भी एप्लीकेशन की लिंक चाहिए, कुछ भी PNG चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, मैं आपको 110% रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।